जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप साफ साफ देख सकते हो, अपना एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम टाइम, आपका शाम का शिफ्ट का यह पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कॉन्स्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या आप देख लो जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। तो यह रहा रीजनिंग का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका सीरीज वाला है, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो करेंगे इसको सॉल्व। देखिए वाई से हो गया डब्लू, तो वाई आता है आपका 25 पर, डब्लू आता है 23 पर, तो -2 हो गया। फिर डब्लू से हो गया यू, यानी -2 हो गया। यू आता है 21 पर, 21 से -2 करेंगे तो आएगा आपका 19, 19 पे क्या आता है, एस आता है। क्लियर? अगला चेक करो, एस से हो गया क्यू, तो एस आता है 19 पर, क्यू आता है 17 पर, यानी -2 हो गया। फिर क्यू से हो गया ओ, यानी ये भी -2। फिर ओ से -2 करेंगे तो ओ आता है आपका 15 पर, ठीक है, और 15 में से आपका -2 होगा तो क्या बचेगा, 13 बचेगा, 13 पे क्या आता है, एम आता है। अगला चेक करो, अगला है आपका ई, ई से हो गया जी, तो ई आता है आपका 5 पर, जी आता है 7 पर, +2 हो गया। जी से हो गया आई, यानी +2 हो गया। आई से फिर आपका +2 करोगे तो आई, यानी 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 11 पे क्या आता है, के आता है। फिर देखिए ए से हो गया सी, ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, +2। सी से ई हो गया, यानी +2, और ई में हम +2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ई आता है 5 पर, 5 में 2 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 7, 7 पे आता है आपका जी। तो एस एम के जी किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कोडिंग और डिकोडिंग वाला है, इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि स्क्रीन पे आ जाए और साफ साफ आपको दिख सके। तो देखिए स्टोर को उसने यह लिख दिया, एसएस को उसने यह लिख दिया, तो बुंके को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए बिल्कुल आसान भाषा में, एस का हो गया यू, तो एस आता है 19 पर, यू आता है 21 पर, +2 हो गया। ए का हो गया सी, तो ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, यानी +2 हो गया, मतलब दोनों में एक ही लॉजिक है। तो वैसे ही हम इसमें करेंगे, बी आता है 2 पर, 2 में हम +2 करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 पे आता है डी। क्लियर? फिर हम अगला अक्षर चेक करेंगे, टी से हो गया आर, तो टी आता है 20 पर, आर आता है 18 पर, -2। यू आता है 21 पर, 21 में से -2 करेंगे तो आपका आएगा 19, 19 पे आता है एस। क्लियर? ओ से हो गया आपका आर, तो ओ आता है 15 पर, ठीक है, ओ आता है 15 पर, 15 से ओ से आर हो गया तो 15 में +3 हो गया। वैसे ही एन आता है 14 पर, 14 में हम +3 करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 पे आता है क्यू। ठीक है, फिर अगला चेक करो, फिर है आपका आर से हो गया ओ, तो आर आता है 18 पर, ओ आता है 15 पर, यानी -3 हो गया। ठीक है, तो के में से -3 करेंगे तो के आता है 11 पर, 11 में से -3 होंगे तो बचेगा आपका 8, 8 पे आता है आपका एच। तो भैया अगला चेक कर लो, लास्ट में के से हो गया ओ, तो के आता है 11 पर, ओ आता है 15 पर, यानी +4 हो गया। वैसे ही ई में हम +4 करेंगे तो ई आता है 5 पर, 5 में हम 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 9, 9 पे क्या आता है, आई आता है। तो डी एस क्यू एच आई, डी एस क्यू एच आई ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका श्रृंखला वाला है, ठीक है, और इसको क्या है कि मोबाइल में सही से नहीं दिखा पाएगा, दिख जाए तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें आप एक लॉजिक समझो इसे बड़े ध्यान से, रुक जाओ इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, हाँ आप सही है। देखो
आपका ये एक्स दिख रहा है, आपका ये एक्स ऐसा जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा? देखो पहले गौर से देख रहे हैं इसको समझने वाली बात। ये देखो एक एक्स यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, तो जब ये एक्स यहाँ पर है तो खुद ये भी ऐसा जाएगा, तो आपका जो एक्स है वो आपका कहाँ पर बनेगा? वो आपका बनेगा यहाँ पर बीच में बनेगा, ठीक है, यानी यहाँ पर बन जाएगा एक्स। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ तो बराबर है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन में एक्स है, तीसरे में नहीं है, तो ये पहला और तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। फिर आप देखो ये बराबर का चिन्ह जो बीच में है ये आप देखो आगे हो गया, ठीक है, और जो ये पीछे था वो आपका फिर बीच में हो गया। तो आपका एक बार आगे था एक बार पीछे था, तो अब कहाँ पर होगा? अब आगे होगा। तो आगे किस ऑप्शन में है? आपका आगे ऑप्शन 4 में दिया गया है और ऑप्शन 2 में भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर गौर से देखोगे, ये आपका जो कटोरा सा बना हुआ है ऊपर की ओर, ये आपका इस साइड मुड़ गया, ठीक है, फिर आपका इस साइड मुड़ गया और फिर आपका इस साइड मुड़ गया, तो अब किस साइड मुड़ेगा? अब मुड़ेगा आपका ये इस साइड ऐसा, तो ऑप्शन 4 में आपका ऐसा मुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये आपका जो ये ऊपर पहले में देखो चांद इस प्रकार है, ठीक है, दूसरे में चांद आपका इस प्रकार है, चौथे में चांद आपका इस प्रकार है, तो पाँचवें में कैसा होगा? ऐसा होगा, लेकिन आपका ऑप्शन 3 में आपका ऐसा है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 में आपका ऐसा है, इसलिए ऑप्शन 2 भी आपका गलत हो जाएगा, तब कि ऐसा होगा, तो ऑप्शन 4 में ऐसा है, तो ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका सीरीज वाला है प्रश्न, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। देखो L का हो गया K, तो L आता है आपका 12 पर, K आता है आपका 11 पर, यानी -1। C का हो गया B, यानी -1, तो E का क्या होगा? D होगा, ठीक है। फिर देखो E का हो गया F +1, L का हो गया M +1, तो J का क्या होगा? J का K होगा, +1 होगा ना, K हो गया। फिर देखो दूसरा कलर ले लो, फिर हो गया A का O हो गया, A का O हो गया, तो A आता है 1 पर, O आता है उल्टा कर दिया, आगे का नहीं करना था, एक मिनट, यहाँ देखो A का Z हो गया, तो A आता है 1 पर, Z आता है 26 पर, यानी -1 हो गया। वैसे ही O आता है 15 पर, N आता है 14 पर, -1 हो गया, और O से हम -1 करेंगे तो क्या आएगा? आपका N आएगा। तो D के N किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन 3 में भी है। तो लास्ट में अक्षर चेक करेंगे, लास्ट में है P का Q हो गया, तो P आता है 16 पर, Q आता है 17 पर, +1। S का T हो गया, +1, तो T का क्या होगा? T में एक जोड़ोगे, T आता है 20 पर, 20 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 21, 21 पे क्या आता है? U आता है। तो D के N U ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन वाला है, और इसको देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। देखो वो कह रहा है एक्स और जेड बहने हैं, एक्स और जेड क्या है? बहने हैं, ठीक है। तो मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, माइनस का मतलब होता है महिला और पुरुष का मतलब होता है प्लस, ठीक है, तो मैं माइनस कर दिया क्योंकि ये दोनों बहने हैं। फिर कह रहा है वाई जेड का वाई है, क्या कह रहा है? वाई जेड का वाई है, तो y किसका वाई है? z का, तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है s z की बेटी है, s किसकी बेटी है? z की बेटी है, ठीक है। फिर कह रहा है t s का भाई है, t जो है वो s का भाई है, तो ये प्लस यानी पुरुष है। फिर कह रहा है t u से विवाहित है, t जो है u से विवाहित है, ठीक है, t U से विवाहित है, ठीक है, विवाहित है तो ये प्लस है, तो ये महिला जरूर होगी, टी U से विवाहित है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसने पूछा है Y S से किस प्रकार संबंधित है, तो Y S से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है, तो क्या होगा? उसका मामा होगा, क्या होगा? मामा होगा, क्यों? S की जो मम्मी है वो Z है और उसकी मौसी एक्स है, और उसका भाई क्या है? जेड का वाई है, तो आपकी मम्मी का भाई क्या होता है? आपका मामा होता है। उसने पूछा ना एस किस प्रकार संबंधित है, तो एस का क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा, ठीक है।
तो ऑप्शन वन आपका बिल्कुल सही होगा। और अगर पूछता एस वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई एस की क्या है, भांजी है, ठीक है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका मैथमेटिकल समीकरण वाला है और ये प्रश्न आपका 2 अंक का पूछा जाता है, मतलब 2 प्रश्न रहते हैं 2 अंक के। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें ऑप्शन वन आपका सही है तो ऑप्शन वन से देख लेते हैं। 6 की जगह 4 कर दे रहा हूँ, 4 की जगह 6 कर दे रहा, ठीक है, तो 158 माइनस 64 गुणे, गुणा के बाद आपका 6 लिखा है, 6 की जगह क्या करना है, 4 करना है, भागे 2 कर देंगे, बराबर में आपका 4 लिखा है, 4 की जगह क्या करना है, 6 करना है, गुणा 15 भागी 3, ठीक है, ये समीकरण बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले भाग को, तो 3 का भाग देंगे 15, वो 15 भागी 3 है तो काटेंगे, तो 5 15 5 बार गया, और 5 का गुणा कर देंगे 6 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, बराबर में आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा। क्लियर हो जाए, इतना आप सॉल्व करो, 30 आ गया, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पर भाग, तो 2 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार गया, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 के बाद आप देखोगे गुणा लगा है, तो गुणा 64 करेंगे, तो अगर हम 64 गुणा 2 में करेंगे तो 2 चौके 8 होता है, और 2 छक 12 यानी 128 होता है, ठीक है, और 128 माइनस लगा है तो 58, 158 में से माइनस 128 करेंगे तो आपका 30 आ रहा है, कितना आ रहा है, 30, यानी ऑप्शन वन ही आपका सही है। समझ में आ गया, 158 माइनस 30, वो 158 माइनस 128 तो आपका 30 आ जाएगा, तो ऑप्शन वन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका सीरीज वाला, ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। आपकी जो ये आकृति है, ये आपको बताना है किस ऑप्शन में छिपी हुई है, तो आप ये आकृति देख लो पहले अच्छे से मोबाइल में, क्योंकि ये आकृति आपकी कुछ इस प्रकार, तो आपको यहाँ ऑप्शन वन में तो आपको कहीं दिख नहीं रही होगी, तो ऑप्शन वन गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 में दिख रही है, कहाँ पर है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो वो वाली आकृति आपकी ये रही यहाँ पर, यूँ कुछ इस प्रकार, ठीक है, ऐसी ही है ना आकृति, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये देख लो, ठीक है, आकृति वाला क्या है कि ज़्यादा सरल आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका ये सीरीज वाला है। देखो अगर कुछ आपको ना माने सीरीज वाले में, तो सीधी सी बात है, इसका अंतर निकाल लो, तो 784 और 568 का अंतर क्या होता है, 784 568 का अंतर होता है 216, 568 और 443 का अंतर होता है 125, ठीक है, तो क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक यह लग रहा है कि आपका जो 216 है वो आपका 6 का क्यू है, ठीक है, और जो आपका 125 है वो आपका 5 का क्यू है, तो आगे क्या आएगा, आगे आएगा आपका 4 का क्यू, तो 4 का क्यू क्या होता है, 4 चौके 16 64 होता है, क्या होता है, 64 होता है, ठीक है, और इस 64 को हम 443 में से माइनस कर देंगे तो आपका 379 आ जाएगा। समझ में आ गया, पहले 6 का क्यू, फिर 5 का क्यू, फिर होगा 4 का क्यू, 4 का क्यू होता है 64, 64 को 443 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 379 आ जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग वाला है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, अब देखिए लीप को वो ए लिख देता है, प्लांट को ए लिख देता है, तो फ्लोवर्स को क्या लिखेगा, यह आपको बताना है, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो गौर से अगर देखोगे आप, अगर आप, तो के का उसने एल लिख दिया, मतलब जो आगे जो अक्षर दिया गया उससे उसने माइनस किया है, ठीक है, तो के का लिख दिया उसने एल यानी माइनस बन कर दिया, डी का लिख दिया उसने ई यानी आपका क्या कर दिया, प्लस कर दिया, के का एल यानी प्लस ही किया, सॉरी माइनस नहीं किया, एक मिनट, देखो के का कह दिया एल तो यानी प्लस बन कर दिया, डी का ई कह दिया यानी प्लस बन कर दिया, जेड का उसने कह दिया ए यानी प्लस बंद कर दिया, और ई का कह दिया उसने एफ यानी प्लस बंद कर दिया। समझ में आ रहा है, पीछे से उसने प्लस किया है, फिर से इसमें देख लो, ओ से उसने कह दिया है पी, तो ओ आता है 15 पर, पी आता है 16 पर, प्लस बंद कर दिया, के से कह दिया उसने एल यानी प्लस बन, जेड से कह दिया ए यानी प्लस बन, एम से कह दिया एन यानी प्लस बन, और एस से कह दिया टी यानी प्लस बन, तो आपका पीछे की ओर से उसने प्लस बन किया है।
समझ में आ रहा है? तो पीछे से हम प्लस वन करेंगे, तो आर में प्लस करेंगे तो आर 18 पे आता है, एस सॉरी पीछे से हम प्लस वन करेंगे तो आर 18 पे आता है, एस 19 पे, तो ये तो पीछे से माइनस हुआ ना। एक मिनट देखो लॉजिक इसमें ए लगा, वो वाला मिस्टेक है, ए वाला देखो, देखो ध्यान से, उसने एफ का ई कर दिया यानी माइनस कर दिया, ए का जेड कर दिया यानी माइनस वन कर दिया, ई का उसने डी कर दिया यानी माइनस वन कर दिया, एल का के कर दिया यानी माइनस वन कर दिया, समझ में आ गया। फिर इसका देखो, टी का एस कर दिया माइनस वन, एन का एम माइनस वन, ए का जेड माइनस वन, एल का के माइनस वन और पी का ओ क्या किया है माइनस वन। वैसे ही हम इसमें करेंगे, आर का माइनस वन करेंगे तो आएगा आपका क्यू, ई का माइनस वन करेंगे तो आपका आएगा ए डी आएगा, और डब्ल्यू का माइनस वन करेंगे तो आपका बी आएगा, ओ का माइनस वन करेंगे तो एन आएगा, एल का माइनस वन करेंगे तो आपका के आएगा, और एफ का माइनस वन करेंगे तो आपका ई आएगा। तो क्यू डी बी एन के ई, क्यू डी बी एन के ई ऑप्शन थ्री में दिया गया, ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो लॉजिक देखो कई प्रकार से लगा है, जो मैं पहले सॉल्व किया वो अलग प्रकार का था, और ए वाला लॉजिक आपका सही है। ठीक है, तो लॉजिक भी देखो कई प्रकार का लगता है, और ऐसे नहीं कि एकदम से बन जाता है, एक एक करके चेक करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, देखो इसको कैसे सॉल्व करना, इसमें लॉजिक क्या लगा है कि 11 का गुणा किया उसने 4 में, 11 से ये जो 46 हो गया कैसे हो गया, 11 का गुणा किया 4 में, तो 11 चुक कितना होता है, 11 चुक होता है आपका, 11 चुके होता है 44, और 44 में उसने 2 जोड़ दिया तो उसका 46 आ गया। ठीक है, वैसे ही 7 का गुणा करेगा वो 4 में, 7 चुके 28 होता है, और 28 में 2 जोड़ देगा तो हो जाएगा आपका 30। ठीक है, वैसे ही 12 का गुणा करेगा वो 2 में, तो 12 का गुणा 4 में करेगा, 2 में नहीं, 12 का गुणा करेगा 4 में, तो 12 चुक होता है आपका 48, और 48 में वो प्लस 2 कर देगा, 48 में प्लस 2 कर देगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा, समझ में आ गया। फिर से बता देता हूँ, 11 का गुणा करेगा 4 में, 11 चुक 44, 44 में 2 जोड़ देगा 40, 7 का गुणा करेगा 4 में, 7 चुके 28, 2 जोड़ देगा 30 आ जाएगा। वैसे ही 12 का गुणा 4 में करेगा तो 12 चुक 48 प्लस 2 कर देगा तो आपका ये 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 वो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका क्रम व्यवस्था वाला है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और थोड़ा छोटा अब, ठीक है ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, वो कह रहा है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो एक सीधी पंक्ति ये हो गई और इस साइड उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, क्लियर हो गया। वो कह रहा ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए सी के बाईं ओर, किसके, ए सी के बाईं ओर, तो भैया सी आपका यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि वो बाईं ओर बैठा है, क्लियर हो गया। फिर वो कह रहा है ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, तो ए और ई के बीच में, तो भैया ई जो है वो आपका कहाँ बैठेगा, वो यहाँ बैठेगा, तभी तो सी बीच में बैठ पाएगा। फिर कह रहा है, फिर दूसरा कलर ले लेते हैं, फिर कह रहा है बी ई के दाईं ओर बैठा है, बी ई के दाईं ओर बैठा है, तो भैया बी आपका दाईं ओर बैठ जाएगा। फिर कह रहा है बचा एक है, तो वो क्या कह रहा है, डी वी के दाईं ओर बैठा है, तो डी भैया आपका ई यहाँ पर बैठ जाएगा, बी के दाईं ओर आपके पांचों के पांच व्यक्ति बैठ चुके हैं। फिर कह रहा है पंक्ति के अंतिम बाँस रे पर कौन बैठा है, तो अंतिम बाँस रे पर आपका ए बैठा है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको तो आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, आपका जब ए दाईं ओर पलटेगा तो भैया ए तो सबसे लास्ट बनेगा और कुछ इस प्रकार मुड़ जाएगा, ठीक है, और एस आपका कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ठीक है। और आपको ये नहीं देखना है, तो आप सीधा सा देखो, इसमें ये जो आर लिखा है ये कैसा है, छोटा है, छोटा है ना यार, ऐसा आर है, ठीक है। जब मुड़ेगा तो आपका कैसा हो जाएगा,
ए आर आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखो ऑप्शन टू में ये बड़ा वाला आर है, लेकिन बड़ा वाला तो इसमें कहीं नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरे में भी देखो बड़ा वाला आर है, चौथे में भी देखो बड़ा वाला आर है, तो ऑप्शन वन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, और ये जो प्रश्न आप देख रहे हो ये प्रश्न आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखो बड़े ध्यान से। इस भैया आपका डी डी सभी में, हम डी डी को काट देंगे, हमने डी डी को क्या कर दिया, काट दिया, क्योंकि सभी में है। फिर आपका आर आर भी सभी में है, तो हम आर आर को भी काट देंगे, काट दिया। फिर है आपका ई ओ ओ ए, तो भैया इनमें से सबसे पहले कौन आता है, पहले आता है ए, तो ए कितने पर है, पाँच पर है। फिर क्या आता है, फिर आता है ई, तो ई कितने पर है, ई आपका एक पर है। फिर आपका ओ तीन पर है, तो ओ को हम काट देंगे। फिर आपका है डब्लू एंड पी, तो डब्लू एंड पी में कौन पहले आता है, पहले आता है आपका एन, तो एन कितने पर है, तीन पर है। एन के बाद आता है पी, पी कितने पर है, चार पर है, और डब्लू, डब्लू कितने पर है, दो पर है। तो आपका 513-42 ऑप्शन टू में है, ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर वही मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है, जैसे कि मैं पहले बताया ऐसे प्रश्न आपके दो पूछे जाते हैं। देखो ऑप्शन थ्री सही है, तो ऑप्शन थ्री से हम करेंगे भाग की जगह गुणा कर देंगे, और गुणा की जगह भाग, तो 72-36 गुणा की जगह क्या करना है, भाग करना है 4, भाग की जगह क्या करना है, गुणा करना है 6+24 बराबर में आपका 42 आना चाहिए, 42 आ जाएगा, तो राइट आंसर मतलब ऑप्शन थ्री ही सही है। सॉल्व करो इसको, 4×9=36, 9 बार गया, 9×6=54 आपका यहाँ पर ये 54 हो जाएगा, 9 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 54 आ जाएगा, ठीक है 54 आ गया, और आपका ये प्लस में 24 है, तो हम 24 फिर से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और -72 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका इस प्रकार का समीकरण बनेगा, और आप देखोगे कि आपका जो 54 है वो माइनस का है, और आपका 24 प्लस का है, तो ये आपका प्लस तो होने वाला है नहीं, तो 24 और 72 कितना होता है, 72 प्लस का है और 24 प्लस का है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 4 और 2 होता है आपका 6, सॉरी 4 और 2 होता है आपका, एक मिनट, 4 और 2 होता है आपका कितना, 6 होता है, और आपका 2 और 7 होता है आपका 9, 7×2=9, -54 कितना होगा, 96 में से 54 जाएंगे आपके, तो कितना बचेंगे, तो आपके बचेंगे यहाँ पर 42, कितने बचेंगे 42, 6 में से 4 जाएंगे 2, और 9 में से 5 जाएंगे 4, तो ऑप्शन 3 ही आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है आपका कथन निष्कर्ष वाला, और देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। वो कह रहा है कुछ ट्रेन बस हैं, कुछ ट्रेन क्या हैं, वो कह रहा है कुछ ट्रेन क्या हैं, बस है, क्या हैं, बस है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर वो कह रहा है कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस कार नहीं है, तो कोई भी बस क्या नहीं है, कार नहीं है, तो इसको अलग कर देंगे क्योंकि कोई बस कार नहीं है। फिर कह रहा है कुछ कार बाइक हैं, कुछ कार क्या हैं, बाइक हैं, तो कुछ कार क्या हैं, बाइक हैं, बी से मैं यहाँ बना देता हूँ बाइक, यहाँ लिख देता हूँ पूरा, क्या है, बाइक हैं, क्लियर हो गया, इतना आपका ये सर्कल बन चुका है। अब देखो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में वो कह रहा है कुछ बाइक कार हैं, क्या कुछ बाइक कार हैं, क्या बाइक वाला सर्कल कार वाले को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, रुक जाओ एक मिनट, देखो क्या कुछ बाइक कार हैं, तो आपका ये बाइक वाला सर्कल है, और ये देखो कार वाले को काट रहा है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्या कुछ बाइक कार हैं, बिल्कुल है आपका, ये आपका बाइक वाला सर्कल है, ये आपका कार वाला, तो बिल्कुल आपका कुछ बाइक कार है। दूसरा देखो वो क्या कह रहा है, कुछ बाइक ट्रेन है, तो आपका बाइक वाला सर्कल ए रहा, ट्रेन वाला सर्कल ए रहा, क्या ये आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे ना, तो ये दूसरा आपका निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा, तो पहला आपका निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन टू देखिए,
केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। तो ऑप्शन टू ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वही सीरीज वाला, देखो ए से हो गया डी यानी प्लस तीन, डी में हम प्लस तीन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। बी से हो गया ई, तो बी आता है दो पर, ई आता है पाँच पर, प्लस तीन, ई में हम प्लस तीन करेंगे तो आपका आठ हो जाएगा, आठ पे आता है एच। डी से जी हो गया, तो डी आता है चार पर, जी आता है सात पर, प्लस तीन, जी में हम प्लस तीन करेंगे तो हो जाएगा आपका जे, ठीक है। फिर आपका जी एच जे किस ऑप्शन में, केवल आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन थ्री में। अगर एक अक्षर और चेक करना है तो कर लो, जी से हो गया जे, तो जी आता है सात पर, जे आता है दस पर, प्लस तीन, और जे में हम प्लस तीन करेंगे तो आपका एम हो जाएगा। तो एच, तो आपका जी एच जे एम, जी एच जे एम ऑप्शन थ्री में, ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा, प्लस तीन हो रहा है सभी में, ये लॉजिक लगा देखो। अगला प्रश्न है आपका ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो भैया जूल किसका मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, या ये समझ लो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पासे वाला है, तो इसमें देखो क्या कह रहा है वो, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करें। तो तीन के विपरीत आपको बताना है, किसके विपरीत, तीन के विपरीत। तो आप देखेंगे तीन इसमें है और तीन इसमें है, तो देखोगे तीन तीन दोनों में है, तो हम दो आकृति ले लेंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो तीन, तीन के बाद ये पाँच है, पाँच लिख दिया, पाँच के बाद ये चार है, तो ये चार लिख दिया। फिर देखो ये तीन है तो हमने तीन लिख दिया, फिर ये दो है हमने यहाँ दो लिख दिया, फिर आपका एक है तो एक लिख दिया। अब देखिए चार का विपरीत हो गया एक, पाँच का विपरीत हो गया दो, बचा आपका कौन सी संख्या बची है, छः, तो तीन का विपरीत हो जाएगा छः। तो ऑप्शन फोर ही आपका बिल्कुल सही होगा, तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, तीन के विपरीत छः, क्योंकि एक पासे में कितने फलक होते हैं, छः फलक। तो आपका चार हो गया, एक हो गया, पाँच हो गया, दो हो गया, बचा कौन सा, छः, तो तीन का विपरीत हो जाएगा छः। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सीरीज वाला, देखो इसमें क्या किया है, मुँह खाता है, ये दो आठ दूनी सोलह प्लस वन सत्रह हो जाएगा, सत्रह दूनी चौंतीस प्लस टू छत्तीस हो जाएगा, ठीक है। और छत्तीस दूनी होता है बहत्तर, बहत्तर में प्लस तीन करेंगे तो आपका पचहत्तर हो जाएगा, ऑप्शन वन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से सुन लो, आठ का गुणा दो में करेंगे, आठ दूनी सोलह प्लस एक सत्रह, सत्रह दूनी चौंतीस, चौंतीस प्लस दो छत्तीस, छत्तीस दूनी बहत्तर, बहत्तर प्लस तीन पचहत्तर, मतलब पहले प्लस वन, पहले करना आपको उस संख्या का दुगना फिर प्लस वन, फिर करना है दुगना फिर प्लस टू, फिर करना है दुगना फिर प्लस थ्री, समझ में आ गया। अगला देखो, अगला प्रश्न वही क्रम व्यवस्था वाला है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। किराए छः विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, एक वृत्ताकार मेज है और छः व्यक्ति हैं, भी हम वृत्ताकार मेज बना लिए और छः व्यक्तियों का स्थान बना लिए और इस साइड देख रहे हैं, ठीक है। आप अपने से एक्सप्लेन करके देख लेना, अगर आप यहाँ बैठोगे तो जो आपका दायां होगा वो उन सबका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वही आप उन सबका बायां होगा। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एप ए के ठीक बगल में बैठा है, एप ए के ठीक बगल में बैठा है, इतना क्लियर हो गया। फिर वो कह रहा है, फिर कह रहा है डी और ई के, डी ई के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इतना छोड़ दो अभी पता क्लियर नहीं। फिर कह रहा है बी ई के ठीक बगल में, इसको छोड़ दो। फिर कह रहा है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको भी छोड़ दो। फिर कह रहा है एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ से देखो वो कह रहा है एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी को अगर हम यहाँ बिठाएंगे तो इसके एफ डी के दाईं ओर, भैया डी आपका यहाँ नहीं बैठेगा, एक मिनट, एफ डी के दाईं ओर इसको मिटा दो यहाँ से। अब देखो बड़े ध्यान से देखना इसको, वो कह रहा है एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी को अगर हम यहाँ बिठाएंगे तो दायां आपका एफ यहाँ पर दूसरे स्थान पर बैठ जाएगा, इतना क्लियर। फिर वो कह रहा है, अब देखो शुरुआत से जहाँ हमने छोड़ दिया था, कह रहा है डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी ई के दाईं ओर, तो भैया ई आपका यहाँ बैठ जाएगा और दूसरे स्थान पर आपका डी बैठा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है बी ई के ठीक बगल में है, बी ई के ठीक बगल में है, तो बी को हम इधर बिठा देते हैं,
फिर कह रहा है बी ई के ठीक बगल में है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी के दाईं ओर। तो सी को अगर हम यहाँ बिठा देंगे तो दाईं ओर इसके दूसरे स्थान पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपके छः के छः व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब वो कह रहा है डी और ई के बीच में कौन बैठा है, तो ए रहा आपका डी और ए रहा ई, इसके बीच में कौन बैठा है, बी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कुछ मिस्टेक नजर आई हो तो बताएं, समझ में ना आया हो तो बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।